हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। और आप लोग अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग जानते होंगे कि ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है आप लोगों के पास। बस कोशिश तो मैं करती रही मगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी जिससे चाह कर भी मैं आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मेरे फोन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। कुछ काम नहीं कर रहा था, फोन पूरा हैंग हो चुका था, ना वीडियो बन रही थी, ना वीडियो डल रही थी, ना कैमरा, ना कॉलिंग, कुछ नहीं। आज चार दिन हो गए फोन, अब जाके मैंने जैसे तैसे ठीक करवाया है, तो अभी भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बट कर रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है। बाकी आगे देखते हैं अभी कितना काम करेगा नहीं करेगा, अभी जब पूरी तरीके से पता नहीं है। कई बार काम करने लग जा रहा है अच्छे से, कई बार नहीं कर रहा है। तो अगर आप लोग वेट कर रहे थे उसके लिए सॉरी, और आप लोगों ने इतना वेट किया उसके लिए थैंक यू, क्योंकि काफी टाइम हो गया। चौथा दिन है आज मेरी वीडियो को ना आए हुए। मैंने वैसे सोचा था कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू काम करूंगी, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, और उसी बीच में मेरा हाथ जल गया, जो जल गया है बहुत ज्यादा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, और मुझे उससे भी बहुत दिक्कत हुई है। तो अभी ये देखिए दिख रहा है, ये मेरा हाथ जल चुका है बहुत ही ज्यादा, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अभी ठंडी का मौसम है, जैसे जैकेट वगैरह पहनने में या कपड़े डालने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, पर जैसे जैसे मैनेज करना पड़ता है, मैं क्या करूँ। और जिस दिन मैंने सोचा था कि ठीक है यार आज स्पेशली वीडियो कुछ बनाऊंगी, और वीडियो है मेरे पास ऑलरेडी पहले से डाल रखी है, मैंने बस चैनल पे अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि फोन ही काम नहीं कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा। और ये नहीं है सिर्फ इस फोन के साथ है, मेरे घर में जो भी फोन है, दूसरा फोन भी एक, उसके साथ भी दिक्कत हुई, वो भी फोन काम नहीं कर रहा था। नहीं तो कोशिश करते जैसे तैसे, वाईफाई ले रहे थे, वाईफाई भी कनेक्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल एरर आ रहा था, सब चीज गायब। ये समझ लो इंस्टाग्राम कोई चीज ऐसी थी नहीं जिसपे कुछ भी काम कर रहा हो, तो बहुत ही दिक्कत हुई। दो दिन तो मैं पहले दिन तो मैं वेट करती रही कि चलो कोई बात नहीं, कल काम कर जाएगा, एक दिन है चलेगा, मैनेज कर लेंगे। वो हमारे जो चाहने वाले, हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारी फैमिली है, फैमिली में क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरा फैमिली वाला इस चीज का इंतजार करता है, कोई नहीं, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। तो मुझे पता है आप लोग मेरी फैमिली है, तो आप लोग वेट कर ही रहे होंगे, और आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है। पहले दिन मैं वेट करती रही कि ठीक है चलो कोई नहीं, अभी चल रहा है, अभी चल जाएगा, कल कर लूंगी, कोई बात नहीं, एक दिन वेट करेंगे। फिर यार अगले दिन भी वही प्रॉब्लम, फिर उससे अगले दिन भी यही प्रॉब्लम। कोशिश करी खुद से, सिम निकाली, एयरमोड पे डाला, बट कोई फायदा नहीं था वो, क्योंकि वो फोन में पीछे से ही कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही थी कि सब लोग कहने लगे यार कुछ घर की प्रॉब्लम हो सकती है, घर में टावर ना आ रहा हो। बाहर जाके मैंने देखा, बाहर भी कुछ भी नहीं, कोई कॉलिंग कर रहा है, कोई कॉल करके मेरे को ट्राई कर रहा है, तो सारे लोग बोल रहे हैं कि यार फोन बिजी बता रहा है, फोन बिजी बता रहा है। फोन साथ में रखे हुए, दोनों फोन एक से दूसरे को मिलाकर देख रहे हैं, तभी फोन बिजी बता रहा है। इतनी दिक्कत हुई है कि जब बस कैसे ना कैसे कैसे मैनेज करा। अभी भी मुझे ये नहीं पता कि बीच में ये बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो चुका है या बीच में दिक्कत आने वाली है। अगर आएगी भी तो जैसे तैसे करके देखूंगी, फिर दोबारा से उसको ठीक करवाऊंगी। हाँ, मेरे साथ तो इतनी ज्यादा दिक्कत हुई है कि यार किसी को कॉल भी करना होता था ना, ठीक है यार फिर किसी का फोन मांगो। आज के टाइम में भी ये चीजें मेरे साथ हुई है कि मैं फिर फोन मांग रही हूँ, कीपैड, ओ लोगों के कीपैड वाले फोनों से कॉल कर रही हूँ। अब यार कितनी देर मांग लोगे, किसी का मांग भी लोगे तो अच्छा हो। मेरी मम्मी पास में रहती थी तो मैंने उनका फोन एक दो दिन मैनेज कर लिया, ठीक है कहीं जाना है, कहीं इमरजेंसी है, या घर स्कूल से कॉल आ रही है, या कुछ भी चीज है, तो हम जाके उसको वापस कर सकते थे। फोन ऐसा हो चुका था, मतलब होना ना होना बराबर मेरे लिए, बिल्कुल कोई फायदा हो ही नहीं रहा था उस फोन का, तो कोई फायदा था ही नहीं। अभी जबकि इतना पुराना फोन है भी नहीं, अभी फोन लगभग कितना टाइम होगा इसको लिया, एक साल कहां हुआ यार, अभी एक साल भी नहीं हुआ मैंने नया फोन लिया था, वो भी स्पेशली मैंने जैसे तैसे किस्तों पे फोन लिया था कि चलो ठीक है मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनानी है तो मुझे लेना ही पड़ेगा फोन। मैंने यूट्यूब की वीडियो के चक्कर में लिया था, क्योंकि पहले भी अगर मैं कोई एक वीडियो बनाती थी ना दूसरे वाले फोन में, तो उसमें बस मेमोरी फुल, सारी चीजें उसमें फुल, कोई चीज एडिट करो कुछ भी नहीं होता था, तो इसके चक्कर में मैंने जैसे तैसे किस्त लिया। यार अभी पिछले महीने 2 महीने हुए इसकी किस्त पार हुए, और किस्त पार हुई नहीं, और ये फोन ने ड्रामा कर दिया शुरू। तो यार हो जाता है ना सबके साथ, आई होप आप लोग इस चीज को जरूर समझेंगे मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है, और ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ हमेशा बनाए रखेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, चीजों को समझेंगे। तो आप मेरी फैमिली हैं, तो मुझे तो लग रहा था चलो ठीक है यार, अब मतलब यही है ना कि जब हम किसी चीज के साथ जुड़ जाते हैं तो जुड़ जाते हैं। मैं भी यूट्यूब के साथ जुड़ गई, आप लोगों के साथ अटैच हो चुकी हूँ, तो कोई भी चीज आती है तो मुझे लगता है चलो ठीक है यार शेयर करते हैं। तो मेरी इस दौरान 2-4 दिनों में जो भी चीजें बहुत सारी मिस भी हो गई, बहुत सारी चीजें रह भी गई हैं, तो कोशिश करूंगी जो प्यार आप लोगों का बना है उस चीजों को आपके खरे उतरूं। तो चलिए फिर आप अभी तक कितनी देर में ये वीडियो पहुंचती है आप लोगों तक मुझे ये भी नहीं पता, अभी ट्राई करती हूँ, डलती है तो ठीक है, तो आगे कोशिश करूंगी फिर से एक बार और रिप्लाई करूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग वेट करें, अगर थोड़ा सा टाइम जा रहा है फोन में तो आप प्लीज इस चीज को समझिए कि मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर वीडियो नहीं आ रही, क्योंकि अब मैंने ठान रखा है कुछ भी हो जाए वीडियो डेली डलनी है, डेली मेरे को इस पे काम करना है, मैंने ये डिसाइड कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक टाइम खाना नहीं खाऊंगी, मैं जरूरी काम नहीं करूंगी, पर वीडियो डलेगी। अगर नहीं डल पा रही है तो आप लोग प्लीज समझ जाए कि हाँ कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कुछ ऐसा ना हो जाए जो हाँ जिसमें मैं फोन को यूज ना कर सकूं, या फोन मेरा काम नहीं कर रहा है। दो ही कंडीशन है जब मेरा वीडियो नहीं आएगी, बाकी अगर डेली वीडियो आने वाली है आप लोगों के साथ, डेली मैं आपसे मिलने वाली हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।